What's up guys, welcome back to the vlog. GoPro में सिर्फ 22% बैटरी है एंड मोमेंट पे. एज ऑलवेज मेरा व्लॉग बनाने का प्लान हुआ तो अभी मैं जा रहा हूँ कॉलेज. आज मिनी प्रोजेक्ट का हम लोग का रिव्यू. एक्चुअली मेरा प्लान बिल्कुल भी नहीं था कॉलेज जाने का, पर फिर मैंने सोचा चलो निकल जाते. तो भाई अभी मैं मेरी पावर बैंक भी लेके आया हूँ, जैक लगा रहा हूँ. अगर पावर बैंक में बैटरी होगी तो GoPro चार्ज हो जाएगा, वरना ये ब्लॉग मेरे को GoPro से कंटिन्यू फोन से कंटिन्यू करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं बहुत उदास हूँ. बट देखते अरे वाह भाई वाह, फॉर्मल में रिव्यू के लिए कि लड़की पटाने, दोनों काम साथ में करना है भाई. देव आज एकदम हॉट लगते हुए लड़कियों की लाइन लगाते हुए आज देव क्या बोल रहा है भाई? अरे आज आज हम दोनों को कोई नहीं देखने वाला है. अच्छी सी एक लड़की को देखेंगे. फुल फोकस ऑन ब्लैक. ब्लैक क्या बात है? ब्लैक जींस, ब्लैक. अरे फॉर्मल्स पहनने का था? पता नहीं, ये तो टी शर्ट पहन के आ गया भाई. चलेगा भाई. आज ये दोनों एकदम चिकने से चिकने दिखते हुए और मैं यार साला टी शर्ट पहन के आ गया है. मेरी मम्मी ने नया टी शर्ट, मतलब नया नहीं, पुराना था, अंदर किधर पड़ा था तो मेरे को दे दिया. मैंने बोला पहन लेता हूँ. क्या यार तुम लोग उल्टे भी नहीं हो यार कि शर्ट पहन के आने वाले यार. क्या देव भाई, समझने की बात है ना यार. अरे भाई लेकिन खासियत भी है, हम लोग बीच में आपको बताएंगे कि टी शर्ट में क्या खास है. क्या क्या आप लोग नोटिस? अरे वो तो ठीक है रे भाई अश्लील. और आज बहुत अच्छी चीज़ की मैंने, मैं मेरे ईयरफोन लाना भूल गया, जिसके बिना भी मेरा टाइम पास कैसे होगा मेरे को मालूम नहीं. अभी करेगा देव ब्लॉग. मैं आपको ट्रेन दिखा देता हूँ, पूरी एकदम मस्त खाली है ट्रेन. और मैं पावर बैंक निकाल के ज़रा चार्ज कर लेता हूँ. 18% पे है इसका GoPro. GoPro भाई. तो हम लोग के पीछे इतना, मैं ईयरफोन भूल गया हूँ और ये लगाता नहीं है. हम लोग के दोनों के कान में मिर्ची लग गई है. मिर्ची नहीं, क्या बोलते उसको? मैं तो गाली बोलता हूँ. मेरे को कसम से मन किया खड़ा होके बजा दूँ या सुना दूँ एक दो, इतना दिमाग खराब हो गया. क्या बोलने का, ईयरफोन इसके लिए मैं लाता हूँ कि मेरे को बकवास सुनने ना पड़े. भाई गोवंडी उतरने का क्या? नहीं नहीं भाई, आप लोग उधर से उतरो जाओ. ये हटो हटो ना, तो फिर नहीं हटने का भाई, लफड़ा करेगा क्या? बोला ना आपको एक बार, उतर उसको. माफिया लग रहा है एकदम ब्लैक शर्ट में. इधर चालू है गणपति, गणपति का है ना भाई? गणपति आगमन हो गया है भाई, आगमन हो गया. इधर यूजुअली इधर रिक्शा खड़े देते हैं, सबको भगा दिया अभी. मार्केट खाली कर दिया. हाँ सही लग रहा है भाई, मेरे चश्मे जाते थे. आज फिर से जिंदगी दाव लगा के हम लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं गोवंडी का चार रास्ता. हाँ देव, डेंजर एकदम डेंजर. लेकिन एक दिन तो मैं ये व्लॉग के मेमोरी के लिए रख रहा हूँ, फ्यूचर प्रिडिक्शन. एक दिन तो हम लोग कहीं ना. तो भाई मैं अभी इन लोग तीनों को बोल रहा था कि भाई अभी भाई हम दो ही है भाई. सॉरी भाई, तो अभी मैं सुन, मैं क्या बोल रहा हूँ, कल से छुट्टी है अपने को मस्त एक हफ्ता. उसके बाद 3 दिन में वो इंटरनल असेसमेंट है. तो मैं बोलता हूँ कि भाई अभी सीरियस पढ़ाई चालू करते हैं, अभी बहुत टाइम पास हो गया. कल से कैसे करें भाई, कल तो गणपति आ रहा है सबके घर पे जाने का. अबे हाँ भाई, दिन बात करते हैं. अबे ये तो मैंने सोचा ही नहीं यार. तेरे घर पे नहीं आता ना गणपति? नहीं मेरे घर पे नहीं आता, मतलब मैं देखने घूमने निकलता हूँ. मैं अपन जाएंगे ना साथ में, जाएंगे साथ में जाएंगे. तो भाई फिर पढ़ेंगे कब? वही एग्जाम के जैसा लास्ट सेमेस्टर एक रात पहले है ना. बहुत दिन है, 8 तारीख से एग्जाम. 8 है, फिर 9, 10, 11 छुट्टी है. छुट्टी है 3 दिन, उसके बाद फिर 12 को है, 12-13 को है ना. और इन लोग का ऑनर्स है तो इन लोग की एक एक्स्ट्रा एग्जाम है. मेरी कम है. तो अभी GoPro को रखते हैं अंदर, इसके बाद ब्लॉग करेंगे फ़ोन से, क्योंकि अभी ये गेम्स रूम में जाएंगे तब लेके जाएंगे. हम लोग का प्लान है कुछ चेस वेस खेलने का 11:15 को ना, 11:15 to 12, तो तब GoPro निकालेंगे. मस्त चार्ज हो गया भाई, पावर बैंक में लेके आया, बेस्ट डिसीजन मैंने किया कल रात को. एक्चुअली मैं चार्ज करना ही भूल गया इसको. फिर मेरा प्लान एक्चुअली था ही नहीं कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, ये तो एंड मोमेंट पर मैंने सोचा कि करते हैं ब्लॉग.
रिस्क लेके। क्या बोलते थे? अभी हम लोग का 11:15 टू 12:06 हो गया है ना भाई। खेलने चेस में और देव चेस खेल रहे हैं और बाकी कैरम वैरम बाहर सब कुछ चालू है, तो इंटेंस मैच चालू है, थोड़ी देर में मिलते हैं। तो एक मैच खेल लिया और मैं बहुत बुरी तरह से हार गया क्योंकि मैं बहुत सालों बाद एक्चुअली खेला इसके लिए, और देव तो भाई जीतता ही है हमेशा, तो ये मैच अभी एक बार चेक करते हैं। चेस यार मतलब मजा आता है, मेरे को प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़ा, भी गुड देव करना हो अगर हैसियत बनाना है तो आसमान के जैसा बनाओ मेरा भाई, क्योंकि जमीन चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना हो लोग उसे खरीद ही लेते हैं। आ मेरी जान बता 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 क्या बोल रहा था? देव की गोटी उड़ रही है। हाँ भाई, तो ये दोनों देव है, तो ये देव भट्ट और ये देव भागड़िया, मतलब देव देव है दोनों, और दोनों ने साथ में शेव भी किया, एक एक दिन का गैप है खाली। बाथरूम में चालू है फोटो सेशन इन दोनों का। मैं कब से बाहर रुका था, मुझे लगा ये लोग कुछ गलत कर रहे बाथरूम में, तो मैं देखने आया। प्रियम को लगी है भूख। हाँ मेरी जान, तो मैं देखने आया, मेरे को लगा ये लोग क्या कर क्या रहे हैं अंदर, फिर मालूम पड़ा फोटो खींच रहे थे, अच्छा हुआ कुछ और नहीं कर रहे थे। तुम्हें ऐसे काम हम नहीं करते भाई तेरे जैसे। तूने सिखाया पर हम सीखे नहीं। हंस दो भाई, जिसको जो मेरी ऑडियंस है वो जानती है कि मैं कैसा हूँ, समझा गया भाई? भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं एकदम सीधा हूँ, नहीं मैं किसी लड़की के साथ देर रात तक बात करता हूँ, सीधा इंसान हूँ। अच्छा चलो भाई कोई बात नहीं। व्हाट्सअप गाइस, टाइम हो रहा है 1:20 और हम लोग अभी और 2 बजे अभी हम लोग का मिनी प्रोजेक्ट का रिव्यू है, उसके बाद 3 बजे मैं निकल जाऊंगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अभी आज थक गया हूँ, ऊपर से मेरे को बुक लेनी है और पढ़ाई चालू करनी है। हाँ देव करो ना चालू पढ़ाई, मजाक करो लेकिन बुक लेके रखेंगे, पढ़ाई कब चालू करेंगे कुछ कन्फर्म नहीं है लेकिन बुक लेके रखूंगा। व्हाट्सअप गाइस, सो इट इज़ 4:30 PM राइट नाउ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ज़िंदगी की मेरी इतनी बड़ी गलती कर दी है आज कॉलेज जाके, मतलब मुझे जाना ही नहीं चाहिए था, ना मेरी फ़ीस का काम हुआ ना मेरा प्रोजेक्ट का, मतलब कुछ ज़रूरत ही नहीं बेसिकली जाने की, वो एक दो लोग चले जाते तो बहुत हो जाता, बट चलो कोई बात नहीं। अभी मेरे को थोड़ी देर में, अभी मैं पहले नहाऊँगा खाऊँगा फिर मेरे को बुक लेने जाना है, क्योंकि ऐसे तो हम लोग मजाक कर रहे थे लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ना चालू करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो इट इज़ 4:30 राइट नाउ, अभी खा पी के नहा धो के मिलते हैं। एक्चुअली मैं जल्दी आ गया क्योंकि देव और वो जो लोग बाकी दो लोग थे उन लोग का ऑनर्स का कुछ था, तो मैं आ गया, मैं 3 बजे की ट्रेन पकड़ गया, तभी जाते हैं घर पे और फ्रेश होते हैं। तो अभी प्लान में थोड़ा सा चेंज है, बुक्स लेने जाने का प्लान एक्चुअली हो चुका है बुरी तरह से कैंसिल, क्योंकि मेरा जो फ्रेंड है उसको देव को मैंने फ़ोन किया और उसने बोला कि परसों को बुक लेने जाएंगे साथ में, तो मैंने बोला अभी मैं अकेले जाके कुछ पॉइंट नहीं है, तो ही हैड अ गुड पॉइंट। तो उसने मुझे ये करने बोला कि जो भी उसका थॉट प्रोसेस ये था कि जो भी ऑनलाइन अगर कुछ PDF अगर कुछ अवेलेबल है तो इट इज़ गुड, तो वो बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है अभी, वो मुझे फिगर आउट करते करते एक दिन कल का जाएगा, तो कल का दिन फिगर आउट करेंगे कि कौन सी बुक लेनी है कौन सी नहीं लेनी है, एंड फाइनली मेरा भरोसा नहीं, कल तो शायद बंद होगा तो फिर मैं परसों को ही बुक लेने जाऊंगा, बिकॉज टुमारो इज़ गणेश चतुर्थी और उसका बहुत एपिक व्लॉग बनेंगे। तो मिलते हैं जब भी नेक्स्ट। सेम
स्पाइसी चाहिए था। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मेरे को ऑलमोस्ट सब बुक्स मिल चुकी है। अभी ये जो है आईपी की, ये अलग पब्लिकेशन है बट चलेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सीएन और टीसीएस, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके, लेकिन वो तो हम लोग को बोला है कोई और ही पब्लिकेशन का है, तो वो तो मैं ले नहीं रहा हूँ। मतलब ऑनलाइन है तो वो ऑनलाइन कर लूँगा।